देखते हैं, मैं हर यंगस्टर को, हर जनी यही मैसेज देता है कि कीप वर्किंग हार्ड, फोकस कीजिए। आई थिंक अब के ज़माने में जितना कंपटीशन है, जितने प्लेयर हर स्टेट से अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर जगह प्रेशर ज़्यादा है, और ख़ास करके जब आप मुंबई के लिए खेलते हो या मुंबई में खेलते हो तब आसान नहीं होता। तो एक ही मैसेज दूंगा कि अपना काम कीजिए, वर्क एज हार्ड एज यू कैन, क्योंकि इस गेम में आप कितना भी कुछ कीजिए, इफ़ यू नॉट वर्किंग हार्डर देन द अदर पर्सन तो मुश्किल होता है। सो ओनली मैसेज वुड बी वर्क हार्ड, कीप इट सिंपल और बी ऑनेस्ट टू योर गेम। देखिए, मैं एक वो सिचुएशन में होने के मैं किसी को जज करूं, और हम जहाँ पे है मुंबई क्रिकेट की जितना हम चर्चा करें उतना मेरे लिए बेटर है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैंने काफी लोगों से यही बातचीत और चर्चा की थी कि हम एज अ क्रिकेटर या एज अ कॉमेंटेटर या कोच, एज लॉन्ग एज आप अपना काम कीजिए एंड यू फोकस ऑन व्हाट यू वांटेड टू, आई थिंक दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट। टू बी ऑनेस्ट, मैं फॉलो करने रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है सब चीज से, तो मैंने अब तक देखा ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता उस पर। देखिए, नॉर्मली अगर मैं चार टीम चूज करूंगा तो वो थोड़ा स्टडी और रिसर्च करके, और जैसे मैंने कहा मैंने कुछ फॉलो किया नहीं, अभी अभी आईपीएल खत्म हुआ है, तो मैं कोई लूज स्टेटमेंट देना नहीं चाहता या कहना नहीं चाहता हूँ कि ये टीम आएगा वो टीम आएगा। मैं हमेशा मानता हूँ T20 में जो सबसे अच्छी टीम है, जो फॉर्म में अच्छी है और जिसका कॉम्बिनेशन बैठ जाता है वो टीम आती है, तो जो भी टीम आएगा वो आएगा। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद मत छोड़िए और उम्मीद हमेशा रखिए।